जिस बहुजन समाज के विकास की सोच को लेकर इस संगठन और संस्था को बनाया है, जिसमें हमारे नए लोग जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, मैंने देखा कि बड़े बड़े व्यस्त लोग जिनका एक एक सेकंड कीमती है वो इतना लंबा समय दे रहे हैं और आगे भी लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वकालत में आने के बाद मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी, कास्ट वाइज देखी, रिलीजन वाइज देखी और इतना सारी चीज़ें पॉलिटिकली वाइज भी देखी, तो लगा कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरा सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता। हमारे समाज में हमें ऐसे बिजनेस लीडर्स की ज़रूरत है जो मोटिवेट का काम करें, ए से लेके जेड तक हमें हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करें। वो लीडर्स हमारे समाज में हमें चाहिए। तो मेरा भी चूंकि वहाँ पर एक बिजनेस है स्टोन क्रशर का, और चूंकि ये संस्था हमारी जो बनाई गई है ये हमारे बहुजन वर्ग के लिए, जो हमारे एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो साथी हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप हो और वो कैसे आगे बढ़ें, उनके मार्गदर्शन के लिए बनाई गई है। तो मैं भी चूँकि मुझे भी शुरुआत में जब स्टोन क्रशर में लगा रहा था बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और तब जाके वो चालू हो पाया। और आगे और भी जो अभी मैं जितनी देर से यहाँ कॉन्फ्रेंस में हूँ सुन रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बिजनेस के सब जो सक्सेसफुल लीडर हैं उनके एक्सपीरियंस हमको सुनने को मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि व्यवसाय जो है एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है, उसमें कोई भी आदमी किसी दूसरे को बढ़ाना नहीं चाहता, कॉम्पिटिशन रहता है। परंतु आप सब लोगों ने, साथियों ने, जिस बहुजन समाज के विकास की सोच को लेकर इस संगठन और संस्था को बनाया है, जिसमें हमारे नए लोग जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, मैंने देखा कि बड़े बड़े व्यस्त लोग जिनका एक एक सेकंड कीमती है वो इतना लंबा समय दे रहे हैं और आगे भी लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हैं। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत शुक्रगुजार और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसा भी आदरणीय सचान साहब, चौहान साहब और सचान साहब ने कहा था कि हमको रिस्क लेनी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, मगर उसके पहले हमें अपने और भी लोगों को सपने वो देख सकें उसके बारे में भी प्रेरित करना पड़ेगा कि वो सोचें और वो बन सकते हैं, क्योंकि आदमी अगर सोचेगा तभी वो कुछ बन पाएगा। मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरा 25 साल का अनुभव है वकालत का, और सबसे बड़ी बात कि मैं खेती बाड़ी वाले माहौल से आती हूँ। मेरी माँ गांव में खेती बाड़ी का काम करती थी, होता है ना सुबह सुबह वो चले जाना, वो पलिया लेके और मटर तोड़ के लाना, लाइक दैट। मेरे फादर अनपढ़ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया जमीन घेर कर गाँव के अंदर, उससे मैंने 8वीं पास किया। और दिल्ली में आने के बाद जब मेरी मदर ने दिल्ली में शिफ्ट किया तो उन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया, चूड़ियाँ बेचना और ये सब करके, गिफ्ट शॉप वगैरह सब उन्होंने चलाया। और इसके अलावा सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख कर उन्होंने अपना बुटीक चलाया, तो मैं उससे हाईली इंस्पायर्ड थी। और उस टाइम पर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मेरे मन के अंदर एक थॉट था कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन बनना है। सोचा कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन कैसे बनूंगी, तो दिमाग में अपने आप एक आइडिया क्लिक हुआ कि मुझे सारे कानून पता होने चाहिए, और मैंने लॉ किया। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में मैं ये डिसाइड कर चुकी थी कि अगर मुझे आने वाले टाइम में बिजनेस वुमेन बनना है, और वो भी इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन बनना है, तो मुझे लीगल नॉलेज पूरी होनी चाहिए। मैंने बाद में 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ कंप्लीट किया। मेरा सपना आज भी मेरे यहाँ पे पलता है। वकालत में आने के बाद जब मैंने माहौल देखा और देखा कि अरे मेरा बिजनेस कल्चर तो है ही नहीं, वकालत में आने के बाद मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी, कास्ट वाइज देखी, रिलीजन वाइज देखी और इतना सारी चीज़ें पॉलिटिकली वाइज भी देखी, तो लगा कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरा सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज
25 साल के बाद भी जब मेरे अंदर ये सपना पलता है, बीच में लॉकडाउन पीरियड रहा, समझ में नहीं आता था कि कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करूं, कैसे अपने आप को इस डायरेक्शन में लेकर आऊं। 2-3 बिजनेस भी मैंने उस बीच में किए, लेकिन देखा अभी एक एनिमेशन मूवी आपने देखी थी, वो एक्सपीरियंस मेरे पास था, टीम नहीं मिलती थी। गारमेंट्स का बिजनेस किया, कैंटीन चलाई, इसके अलावा एक बिजनेस मैंने और किया था, मुझे वो सब छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब जब 5-5, 6-6 या साल भर काम करने के बाद मैं अकेली खड़ी होती थी, तो मुझे लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आज जिस तरह से मैं सबकी के या ये जुड़ी हूँ सबकी के साथ, और अभी मैंने और भी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो मुझे ऐसे लगता है कि दिन दूर नहीं कि मैं अपना ये सपना पूरा कर पाऊँ। मैंने हमेशा अपने अनुभव से महसूस किया कि हमारे समाज में एक सबसे बड़ी कमी है, हमारे पास लीडरशिप तो है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, बिजनेस लीडरशिप हमारे पास नहीं है। हमारे समाज में हमें ऐसे बिजनेस लीडर्स की ज़रूरत है जो मोटिवेट का काम करें, ए से लेके जेड तक हमें हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करें। वो लीडर्स हमारे समाज में हमें चाहिए, और यदि मुझे मौका मिला तो सर्टेनली आई विल डू माई ड्यूटीज, आई विल ट्राई टू बी अ बिजनेस लीडर फॉर माई सोसाइटी, एंड आई विल डू माई बेस्ट वट एवर आई एम अचीविंग विद एक्सपीरियंस ऑफ यू पीपल एंड विद एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू।